Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। मैं अभी नोएडा में हूं और ये नोएडा का सबसे बड़ा लेबर चौक है जहां पे यहां पे प्रवासी भारतीय हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो गाज गिरा है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गिरा है। प्राइवेट सेक्टर ऐसे डूब गया कि कहीं पर भी नौकरी नहीं है। हर चाहे आईटी सेक्टर हो और चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सब में एक कोरोना ने लेड हुआ है। मगर एक तबके का आते हैं यहाँ पे लेबर जो सबकी घरें बनाते हैं, सबकी घर बनाते हैं, सबके घर में पेंटिंग करते हैं, नलका ठीक करते हैं, सबका काम करते हैं। मगर ये आज खाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास काम नहीं है और ये आज उस एक महीने में इनको दो दिन तीन दिन काम मिलता है, उससे इनका गुजारा नहीं चल रहा है। और ये मैं रोज़ आता था यहाँ, देखता हूँ तो लेबर यहाँ पे भीड़ लगा के खड़ी रहती है। और मैंने आज इनसे बात करने का कोशिश किया और समझने का कोशिश किया कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है। और देखिए, इनसे मैं बात करता हूँ तो जीवन जी बताओ, क्या यहाँ पर कब से खड़े हो? खड़े हैं दो तीन महीने से खड़े हैं सर। दो तीन महीने से रोज आते हो? खड़े होकर चले जाते हो? रोज आते हैं लेकिन खड़े होकर पुलिस वाले लठ मारते चले जाते हैं जी। आपको काम नहीं मिलता है? काम मिलता होता तो फिर काहे के लिए साहब यहाँ आते हम? दो महीने से काम नहीं मिला जी। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्चा क्या चल रहा है? अपना इधर उधर से उधार उधार ले ले आके खा पी रहे सर। बहुत ब्याज दे रहे हैं। अब कहाँ से आए हो? हम झांसी से हैं। घर में कोई नहीं लेके जाता काम कराने के लिए? कोई नहीं ले जाता जी, लॉकडाउन चल रहा, कौन ले जाएगा? कितने बजे आते हो यहाँ पर? सुबह आ जाते जी 7 बजे। काम नहीं मिलता, कब तक इंतजार करते हो? दो तीन बजे तक देखते हैं सर, काम नहीं मिलता अपने घर चले जाते हैं। तो खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना भी इधर उधर से उधार उधार ले ले के खा रहे हैं, अपना क्या करा जाए। काम नहीं मिल रहा सर यहाँ पे, काम नहीं मिल रहा ना। कब से काम नहीं मिल रहा है? यहाँ तो दो तीन महीने से परेशान हो रहे हैं सर। हाँ, रोज आते हो? रोज आते हैं, चले जाते हैं दो तीन बजे तक। मकान वाले घर लट मार रहा है, रोज आते चले जाते बैठ के, क्या कर, काम ही नहीं मिल रहा। पूरा डिटेल बताओ, कैसे प्रॉब्लम, क्या क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है यहाँ भैया, जब काम करेंगे जब भी तो खाना खा पियेंगे, किराया वराया देंगे, जब किराया वाला किराया नहीं दे पा रहे हैं, काम नहीं मिल पा रहा तो क्या करें। तो अभी खाना वाना कैसे चल रहा, ढंग का खाना खा रहे हैं? मजबूरी में क्या करें, जाता तो उधार कर करके ले रहे हैं, कोई दे रहा तो ठीक है ना, तो भैया ऐसे ही टाइम काट रहे हैं, चार चार दिन पाँच पाँच दिन भूखे रहते हैं, क्या करा जाए। कितना उधार हो गया आपको? कम से कम हो गया कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो हो गए होंगे हमारे, क्या करें मजबूरी में उधार हो गया। हाँ जी, 4 महीने किराया चढ़ा पड़ा है, मकान मालिक कहाँ से देंगे? आज हो गया कम से कम 5-6 दिन। काम नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं लेके जाता? नहीं नहीं। कितने बजे आते हो और कब जाते हो? आते हैं 7:30 बजे। और कब तक इंतजार करे हो, करते हो कि कोई लेके जाए? कम इंतजार करते हैं कम से कम 11 बजे तक। हाँ, उसके बाद घर लौट जाते हैं। खर्चा वर्चा कैसे चल रहा घर का? खर्चा जैसे चल रहा उधार पाँच से जैसे चल रहा तैसे कर रही है। हाँ, दिक्कत तो 7 बजे आते हैं, 11 बजे आए हैं, काम धंधा है नहीं है, पुलिस वाले मारते हैं, परेशान करते हैं, खाने को है नहीं है, तीन तीन बच्चे कहाँ से लाएंगे खाने के लिए आप बताइए। पुलिस वाले आते हैं एक एक घंटे में, परेशान हो जाते हैं, मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा? सुबह आता शाम को चला जाता, 11 बजे तक इंतजार करता, 12 बजे तक कहाँ तक इंतजार करेगा? कोई नहीं लेके जाता? नहीं, कोई नहीं लेके आता। 11 बजे तक टाइम देखते हैं, 12 बजे तक फिर हम चले जाते हैं अपने घर। आपने देखा होगा मैंने इनसे बात किया और समझने का कोशिश किया, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर है जो कि ये तीन तीन दिन से भूखे हैं और इनको खाना नहीं मिल रहा और काम भी नहीं मिल रहा। मैं पूरा दिखाने का कोशिश किया, आप देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूँ मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.